बेसिकली हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एरे फॉर्मूला। तो एरे फॉर्मूला में मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल्स का हमने कुछ फिगर दिया हुआ है, मैं रैंड बिटवीन से कुछ सेल्स फिगर ला देता हूँ। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब हम फॉर्मूला क्लास ले रहे थे, तो हमने स्मॉल और लार्ज का बताया। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर टॉप 5 चाहिए तो 1 2 3 4 5। अब मुझे यहाँ पे अगर मैक्स, नॉर्मली मैक्स लगाते हैं तो मैक्सिमम नंबर दिखा देता है, लेकिन सेकंड मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमम नहीं दिखाएगा ना। तो यहाँ पे हमने लार्ज का फॉर्मूला आपको बताया था, जिसमें हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। इसमें 90, 88, 88, 73 और 69 आपको दिख रहा है। उसी तरह से हमारे पास स्मॉल का फॉर्मूला होता है, जो कि छोटे में मैं नीचे से दिखाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मुझे टॉप 5 का चाहिए। मुझे यहाँ पे हमने लिख दिया कि टॉप 5 चाहिए टोटल में, तो मुझे इन सबों का टोटल करना। पर प्रॉब्लम यह है कि टॉप 5 भी हो सकता है, टॉप 7 भी हो सकता है, टॉप 10 भी हो सकता है, टॉप 100 भी हो सकता है। तो उस केस में इन सबको करना मुश्किल हो जाए। तो चलिए फिलहाल हम टॉप 5 को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम। सम में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लार्ज, क्योंकि मुझे लार्ज चाहिए। तो लार्ज, लार्ज के बाद हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो रिजल्ट आपके सामने आ गया 408। अब 408 आया तो कैसे परफॉर्म किया एक बार देख लेते हैं एवलेट से। तो लार्ज फॉर्मूला कितना बार चला, 5 बार चला, 5 अलग अलग रिजल्ट दिया और आपके पास रिजल्ट आया। लेकिन मैं इस 5 को ऐसे नहीं, इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके दो तरीके हैं। अगर आपके पास पुराना एक्सेल है तो क्या करेंगे आप यूज करेंगे रो फॉर्मूला, रो 1 2 5 एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने 408 आया। लेकिन 5 में इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर 7 कर दूँ तो फिर मुझे इसके अंदर जाके 7 चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने 1 स्लैश इसके साथ n% और हमने इस 7 को सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर मारने पे एरर आया। तो क्यों एरर आया ऐसा, प्रशंसा जी आप बताइए एरर क्यों आया? ये सब क्योंकि वहां पे वो हम एपोस्ट्रॉफी जो दिए हैं वो टेक्स्ट में होता है, वन के बगल टेक्स्ट में नहीं। में जी हाँ, क्योंकि हमने कॉनकेट किया ना, तो ये रेफरेंस नहीं रहा, 1 to 7 रेफरेंस नहीं रहा, क्या रहा, टेक्स्ट हो गया। इसलिए क्या सॉल्यूशन क्या है, इनडायरेक्ट लगाना है सर। इनडायरेक्ट, इंडेक्स, इंडेक्स या इंडेक्स, इनडायरेक्ट है सर, हाँ इनडायरेक्ट, इंडेक्स इनडायरेक्ट। नहीं सर, इंडेक्स फॉर्मूला तो लुकअप करता है, हमें इसको इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और फिर इसकी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर। अब क्या हुआ, अब देखिए फॉर्मूला एबलेट करके अभी पता चल जाएगा। अभी यहाँ हुआ कि हमने यहाँ पे ये देखिए आ गया, यहाँ पे 1/7 आया। इनडायरेक्ट ने क्या किया, उसको रेफरेंस में कन्वर्ट किया। फिर रो ने क्या किया, 1 से लेकर 7 तक टूट गया, जो कि लूप क्रिएट हुआ। जैसे बीवीए में लूप यूज करते हैं ना, सेम इसी तरह का यहाँ पे लूप होता है। और फिर लूप हो जाने के कारण लार्ज जो है 7 बार चला और 7 का रिजल्ट यहाँ दे दिया। ओके, सेम यहाँ पे हम स्मॉल का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लार्ज की जगह पे स्मॉल कर देंगे तो छोटा दिखा दे। अब बारी आती है कि अगर लेटेस्ट एक्सेल में क्या करेंगे, द लेटेस्ट एक्सेल में क्या लगाएंगे सर, सम लार्ज, डेटा को सेलेक्ट कर लिया। और एरे में कभी पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की गलती मत करना, ठीक है, ना आपकी फाइल स्लो हो जाएगी। सीक्वेंस में हम देंगे मुझे रो नंबर 5 चाहिए, नहीं 5 नहीं 7, जो कि इसको सेलेक्ट करेंगे। कॉलम नंबर 1 चाहिए, स्टार्ट 1 से और स्टेप 1 से, और फिर इसको एंटर प्रेस कर। आगे 538
सिंपल है थोड़ा सा, क्योंकि सीक्वेंस फॉर्मूला जाने से सिंपल हो जाता है। लेकिन इसमें और क्या बेनिफिट है, चलिए आपने वी लुकअप का यूज तो किया ही था, याद होगा आपको। तो वी लुकअप में रिपीटेड वैल्यू निकालने के लिए हमने बहुत सारे झमेले किए थे ना। अब मैं यहाँ पे रिपीटेड डेटा ले लिया, अब मुझे यहाँ पे वी लुकअप जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, वी लुकअप अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे पूजा का लुकअप करना है, तो वी लुकअप क्या करेगा, सबसे पहली वैल्यू को उठाएगा, राइट सर। लेकिन मैं पहली नहीं, सबसे लास्ट पूजा, जो पूजा लास्ट आ रहा है ना यहाँ पे 26 में 78, मुझे ये चाहिए। मतलब वी लुकअप सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को शो करता है, लेकिन मुझे लास्ट वैल्यू को शो करना है। इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम यूज करेंगे फॉर्मूला लार्ज का, लार्ज फॉर्मूला। और लार्ज फॉर्मूले में देंगे इफ का फॉर्मूला, इफ अगर ये पूरा डेटा इक्वल टू क्या है, पूजा है, तो इसकी वैल्यू को शो कर दो, ठीक है। और इफ को क्लोज कर देंगे और यहां पे दे देंगे 1, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट 86। 86 क्यों आया इसमें, ओ 86 यहाँ पे ये नहीं देना चाहिए था मुझे, इसमें देना चाहिए रो, माफ कीजिएगा, ये रो नंबर आएगा 86, तो फिर हाईएस्ट वैल्यू देगा। पूजा के सेल में सबसे हाईएस्ट है ना, वो दे दिया इसने, समझे। ये भी एक नया चीज हो गया कि अगर पूजा के वैल्यू का 10 बार है, 200 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो दे दिया इसने, लेकिन मुझे पूजा सबसे लास्ट है वो चाहिए, तो मुझे इसके यहाँ पे रो का फॉर्मूला लगाना। रो फॉर्मूला क्या देगा, रो नंबर, मतलब कि जो 26 नंबर रो है वो देगा। अब 26 रो नंबर मिल गया, तो मैं यहाँ इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के क्या कर सकता हूँ, 26 की वैल्यू ला ही सकता हूँ, क्या सर। जी अब सर, दोनों फॉर्मूला मर्ज कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन वर्क कैसे कर रहा है, ये सिंपल सी बात समझ जाइए, इसको हम फॉर्मूला एवलेट करके सिखाते हैं आपको कि वर्क कैसे कर रहा है। ये वर्क जो कर रहा है, सबसे पहले चला, चलने के बाद जितने भी पूजा है, मोहन वगैरह है, सब कुछ यहाँ दिख गया। जब इसको यहाँ पे किया तो जहां जहां पूजा था वहां वहां ट्रू हो गया, और जहां जहां ट्रू था वहां वहां उसके जो रो नंबर है ना वो डल गया। अब इसमें लार्ज का काम है हाईएस्ट रो नंबर निकाल, लार्ज उसको हाईएस्ट जो 26 मिला वो निकाल के दे दिया। यहाँ पे हम लार्ज के जगह पे मैक्स भी लगा सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि इसमें लार्ज ही लगाए, या हम सिंपल सा मैक्स का फॉर्मूला भी दे सकते हैं, ठीक है सर। जी सर, लेकिन लार्ज के फॉर्मूले से क्या बेनिफिट होता, बेनिफिट ये होता है कि यहाँ लास्ट में आपके सामने, ओ सॉरी, एक सेकंड सर, तो लार्ज के फॉर्मूला में बेनिफिट हुआ कि मैं यहाँ पे सेकेंड लास्ट भी निकाल सकता हूँ, थर्ड लास्ट भी निकाल सकता हूँ। अगर मैंने लार्ज के जगह पे स्मॉल का फॉर्मूला लगा दिया तो क्या बेनिफिट होगा, कि हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं कि मुझे पहला दूसरा तीसरा, तो वी लुकअप लिस्टिंग जो हमने बताया था वो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। क्लियर है, डाउट आप लोगों को इसमें। नहीं, ठीक है सर।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके लिए यूज आप कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, सिंपल सी हम बात करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है इसको। जैसे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, कुछ हम नंबर दे रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे इसका टोटल करना है। तो बोले से इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सम का फॉर्मूला लगाइए और इसका टोटल करते। लेकिन मैं टोटल करना चाहता हूं राउंड वैल्यू, राउंड समझते हैं ना, कि जो अभी क्योंकि इसमें डेसिमल्स हैं ना सारे हमारे, तो मुझे डेसिमल्स को नहीं लेना है, छोड़ देना है। तो मुझे यहाँ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम, सम के अंदर हम देंगे राउंड, राउंड में सेलेक्ट करके कॉमा जीरो कर देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली राउंड करके ही सम किया। ये छोटी सी बात थी, मैं सोचा बता दूं आपको। अब एक काम और करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ मिलन जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग थोड़ा मैं आपको लेट भेजा लेंगे, क्योंकि मुझे तो दिमाग से उतर गया था कि आप ज्वाइन करेंगे, से माफी सर। नहीं, चाहूंगा। मैं यहाँ पे डेसिमल्स की जगह पे कोमा हो और अगर हमको सम करना हो तो तो कॉमा तो सम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है आप? अगर फाइव कॉमा से कॉमा सर। कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा से क्या लेना देना है, आप सम कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे? यस सर। अब यहां पे मेरे पास नंबर है, राइट? तो मान लीजिए मैं यहां पे 34 को लुकअप करता हूं, वी लुकअप लगाया और हमने डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा 1,0 कर दिया, इनने आया, क्योंकि इसमें 34 नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर 34 इसमें नहीं है तो मुझे इसकी नियरेस्ट वैल्यू पता करना, जैसे कि 35 या 33, राइट? कैसे करेंगे? देखिए, जब एरे में आपको दिक्कत हो तो आप मैनुअल जो है जो करते हैं उसको कीजिए। जैसे मैंने क्या किया कि सबको 34 से माइनस कर दिया, ढूंढना मुझे 34 है, माइनस करने के बाद रिजल्ट माइनस में आया, तो मैंने एवीएस लगा दिया। एवीएस क्या करता है, अब्सोल्यूट रेफरेंस निकालता है, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव पॉजिटिव रखता है। फिर मैं यहाँ मैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैक्स, और मैक्स फॉर्मूला में क्या होगा, मुझे इसमें मैक्सिमम नंबर आ जाएगा 51। फिर मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और इस 51 का रो नंबर पता करूंगा। जब मुझे रो नंबर पता चल गया तो इंडेक्स मुझे इसका रिजल्ट तो दे सकता है ना सर, आ गया 51, नहीं 51 आया, नहीं नहीं हाँ 51 आया, गलती है, मेरी गलती है, हमें इसको उठा के इसको सेलेक्ट करना था ना, आगे तो आगे 55। नहीं मैक्स नहीं, इसमें मैक्स नहीं लगेगा, मिन लगेगा, नीरेस्ट वैल्यू है ना, सॉरी माफी चाहूंगा। अब आया 35। अब इसको वी लुकअप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है मेरा, मैक्स दे रहा है ना, मैच दे रहा है, सॉरी मैच 3 इंडेक्स चल रहा है, तो यहाँ मेरा लगेगा मैच का। अब मैच को लुकअप वैल्यू जो चाहिए 1, जो कि मिन फॉर्मूले से आ रहा है, तो मिन और मीन के अंदर में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस 24 माइनस और सेलेक्ट करना है डेटा, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। अब लुकअप किस में करना है, तो वही सेम 26, नहीं इसमें ए, माफ कीजिएगा, इसमें एक चीज का नाम लगाना भूल गए, हम यहाँ लगाना पड़ेगा एबीएस, क्योंकि एबीएस से रिजल्ट आया था ना, तो एबीएस।
और मैच किसमें करना है, तो एवीएस और 24 माइनस और अपना डेटा हमने सेलेक्ट कर एंड कॉमा 0, 12 आ गया। अब इसको रखने की कोई जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब 12 आया, 12 क्या आया हमारा, 12 आया रो नंबर। अब इस 12 को इंडेक्स में डाल दीजिए, इंडेक्स आपको रिजल्ट दे देगा कि भाई 12 का नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है। 24 का नियरेस्ट वैल्यू 32 है। अगर मैं यहाँ पे 26 कर देता हूँ तो इसमें 26 आना चाहिए ना। E6 माइनस ये 12 रिजल्ट क्यों दे रहा है, 26 जो है 7 आना चाहिए ना। चलिए फॉर्मूला एवेलेट करके देखते हैं कि हमने कहाँ गलती किया। ट्वेंटी फोर से माइनस हुआ, ए वी एस इसको कर दिया, इसने मीन मीन निकाल लिया 1। इसमें 1 नहीं है ना, मीन 1 को इसे निकालने के लिए इसे 1 हाँ यह यहाँ ना 1 है। वन आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है। क्या हुआ है, इंडेक्स फॉर्मूला में हमें सिर्फ रेंज देना चाहिए था, एक ज्यादा ले रहा है ना। अब रिजल्ट आया 25, यहाँ देखिए 25 दिखा रहा। पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हमने पूरा कॉलम लिया था तो काउंटिंग डेटा से शुरू कर दिया था, जिस कारण से वो 85 को शो कर, 32 को शो कर। सर अब मैं यहाँ पे 26 करता हूँ तो यहाँ देखिए 26 तो ऑलरेडी है, 27, 28 आ गया, 32, 32 तो है, 33, 33 का नीरेस्ट 33 है, 34, 35 है, तो ये नीरेस्ट वैल्यू निकाल के दे देता है। ओके अब देखिए ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ हमने किया है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी VBA से बना सकते थे, लेकिन हमने एक्सेल यूज किया क्योंकि VBA प्रोग्रामिंग हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा VBA लास्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि VBA लगाने से प्रॉब्लम होती है कि फिर वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे नहीं चलेगा, जिनकी माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल वहां नहीं चलेगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले हम उसको एक्सेल से सॉल्व करें, जब एक्सेल से सॉल्व ना हो देन हम उसको VBA प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज जो एग्जांपल दिए इसी एरे का एग्जांपल है, जिसमें हम नॉर्मल एक्सेल से इसको यूज नहीं, नॉर्मल एक्सेल से इसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका एरे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और एरे फॉर्मूले की मदद से फिर हम इसका यूज करते हैं। ओके ओके सर, तो इसकी प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम एरे की लास्ट क्लास लेंगे और कल हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के। अरे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा स्लो।